तो दोस्तों आज मेरे पास आप लोगों के लिए सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ न्यूज है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। बात करते हैं पहला न्यूज के बारे में। पहला न्यूज कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी कल उनके इंस्टाग्राम में लाइव आए थे और तब एक लड़का कैरी मिनाटी को सौरभ जैसी के ऊपर रोस्ट वीडियो के बारे में पूछा था। उसी के ऊपर कैरी मिनाटी का रिएक्शन कुछ यह था। ए भाई तू ना एक बार ना उस सौरभ जोशी को जरूर रोस्ट कर यार। तो उसने क्या कर दिया भाई, देख देख के बोर हो गया मैं ऐसे। तो गाइस ऐसे उसका ब्लॉगिंग का छोटा सा क्लिप भाई, तो देख सकते हैं सुबह हो गया है, अब दोपहर होने को चला है, अब मैं मैगी बना के खाऊंगा और मम्मी को मार्केट लेके जाऊंगा, एवरो बनवाऊंगा भाई साहब गजब। उसका देख के तो मेरी समझ जाती है भाई, सामने ना फोड़ दूंगा उसको। कोई कोई आइडिया से बनाए ना कि भाई हाँ। बाइक चला रहा हूँ ये वो अलग बात है हाँ। बता सिंपल से आएगा सुबह में। तो गाइस थोड़ा सा लेट हो गया आज ब्लॉग बनाने में, तो मैं न्यू ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ, दोबारा हो गया है, चलो मैगी बना के खाता हूँ। पीयूष तू ये क्या कर रहा है, ऊपर कूदेगा क्या, नीचे आएगा क्या भाई साहब? आज थार को थोड़ा धोऊंगा। ओली सौरदा आ गए हैं भाई, उसका सबसे बड़ा जो क्या लगता है, ओली सौरदा आ गए हैं, मजा लग जाता है हमको देख के उसका। भाई देखो हम तो इसमें मानते हैं तुम्हारी बात, सही सारी सही है भाई। देखो देख भाई जगह काम कर रहे हैं क्या दिक्कत है ये बताओ। नहीं वो दिक्कत ये तो बस फन के लिए भाई, बस मैंने ऐसे ही बोला कि थोड़ा फन हो जाए। अरे चैट में लोग भड़क रहे हैं, हम तो उनके लिए कह रहे हैं, हमें तो क्या दिक्कत है, हम तो लेते रहते हैं, हम तो वैसे ही मजे लेते रहते हैं, हम तो वैसे ही मजे ले रहे हैं, हम थोड़ी ना उसको सीरियसली भाई, यही तो यूट्यूब में होता है, एक बार का मजा लेते उसी में। एक बार बोल दो सॉरी गाइज। अच्छा सॉरी गाइज, सॉरी। अरे भाई जितना भी फैन फॉलोइंग है सौरभ जोशी के सॉरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज वीरेंद्र सिंह के बारे में। शायद आप लोगों को पता होगा वीरेंद्र सिंह मिस्टर इंडियन हैकर के टीम मेंबर थे। तो रिसेंटली टेक चैंपियन सपोर्ट वीरेंद्र सिंह को पूछा कि आपने मिस्टर इंडियन हैकर का टीम क्यों छोड़ा, और तब उन्होंने कुछ ये कहा। 3 साल आपने उस चैनल पे काम किया, तो फिर आप अचानक ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आप उस टीम से बाहर हुए? यार 3 साल तक आपने उस चैनल पे काम किया, उसमें आपने मेहनत किया, आपने उसमें एफर्ट दिया, थंबनेल बनाने से लेकर वीडियो एडिटिंग तक सारा सब कुछ आपने किया, फिर ऐसी क्या वजह थी यार? इसके पीछे ऐसी कोई ज्यादा खास रीजन ऐसे मान नहीं सकते, लोग उसको बढ़ा लेते हैं पता नहीं क्यों। शायद से मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, तो अच्छा, मैंने अच्छा। एक स्टेप लिया कि अपने नाम पे अपने दम पे कुछ करें, चाहे अपने को जीरो से करना पड़े। अच्छा, कुछ अच्छा, खुद का करते हैं ना तो एक अलग ही फील रहता है, उसका एक अलग ही स्वाद रहता है। आप देखिएगा, आप बाहर जगह जगह पे 10 प्रकार के आपको खाने मिलेंगे डिफरेंट, बट आप जो अपने हाथ से बना के खाओगे ना उसका अलग स्वाद ही अलग। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।